Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. And I am Dr. Kalpesh Parmar here to give you one more problem on admission of partner. This will be our fifth practical problem on admission of partner. Hope इसके पहले के चारों practical problems आप लोगों ने उनके videos देख लिए हैं. इंट्रोडक्शन पहले था और उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर में मेरे 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार. प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहे. होप यू आर ऑल सेट टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि टाइम टेबल तो आ चुका है तो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करो और आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ. डोंट वरी. तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं. ये प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी करंट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से नहीं है क्योंकि मुझे वहां से ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिला ही नहीं. इसलिए मैंने लास्ट ईयर इसके पहले की जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक थी वो प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का टेक्स्टुअल क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स इन रिलायबल सीरीज यानी प्रॉब्लम्स इन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी रिलायबल सीरीज की क्वेश्चन की बुक में मुझे मिला है. तो आपको क्या करना है इसका मैं ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसके जस्ट पहले मेरे आने के मेरे यहां पर इंट्रोड्यूस होने के जस्ट पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है. क्या करना है आपको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो दूसरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट ट्रांसफर करके आप वो सामने लग के क्वेश्चन देख सकते हो या फिर बेस्ट क्या होगा वो पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप लिख लो. हैंड रिटन पूरा क्वेश्चन लिखोगे सामने हैंड रिटन क्वेश्चन रहेगा पेन से तो आप उसमें पेंसिल से मार्किंग कर सकते हो क्योंकि कुछ ना कुछ मार्किंग होते रहता है. सो वो करने के बाद आप यहां पर आओ और बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करो. तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में है. इसके पहले के चार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैंने ऑलरेडी वो क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स. तो आप उसको पॉज करके अच्छे से वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. वो नोट डाउन करने के बाद आगे का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा ना. सामने क्वेश्चन ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन कहां से समझ में आएगा. और ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने लिया है. क्या है व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट देखते हैं. द क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धीरज एंड नीरज हु शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. चलो यहां पर मैं लिख देता हूं ओल्ड रेशियो. अरे धीरे थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा. ओल्ड रेशियो ऑफ धीरज एंड नीरज अगर समझो अलग अलग इनिशियल से तो मैं सिर्फ इनिशियल लिखता हूं इक्वल यानी कि 1:1 का रेशियो है उनका यानी क्या आएगा. यस वेरी गुड. हाफ इज टू हाफ मतलब हाफ धीरज का तो हाफ नीरज का. तो दो पार्टनर का नाम तो पता चल गया. बैलेंस शीट के नीचे दिया है ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एग्रीड टू एडमिट सूरज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस. तो उसमें तीन पार्टनर्स हो गए धीरज नीरज सूरज धीरज नीरज सूरज यानी कि यहां पर तीन कॉलम इस तरह से रहेंगे. सेकेंड थिंग मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में इसके पहले में लिखा था बट इस क्वेश्चन में सिर्फ नाम लिखे हैं. आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप इसका आंसर सॉल्व करोगे तो दो लाइन लेना है यहां पर क्योंकि ऊपर वाली लाइन में पार्टनर्स के नाम आएंगे नीचे वाली लाइन में आपको अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज लिखना पड़ेगा. तो भूलना मत. वो यहां पर क्या है अभी तक चार प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया है वैसा तो अब वापस से बताने की जरूरत नहीं है. सो ये फॉर्मेट ऑलरेडी है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट और एडिशनली वर्किंग आउट के लिए कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है. देखते हैं ये क्वेश्चन में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है क्योंकि अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोगों ने गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट देखे हैं. गुडविल ब्रॉट इन कैश का एक प्रॉब्लम मैंने बताया आपको फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम था ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर जिसमें से आधा विड्रॉ करके गए थे. फिर एक क्वेश्चन लिया जहां पर गुडविल रेस्ट का क्वेश्चन था और चौथा प्रॉब्लम जहां पर गुडविल को वैल्यू करके रेज करना था. यहां तक चार क्वेश्चन मैंने इस तरह से अलग अलग एंगल से आपको लिए हैं. ये क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ अलग ही होगा अभी तक के चार प्रॉब्लम से प्लस रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में भी कुछ अलग बात है यहां पर. डोंट वरी सिखाऊंगा आपको लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज रीड करने की जरूरत नहीं है. यहां पर खाली ये देख लो कि इसमें क्या वो कैपिटल अकाउंट ऑफ वन पार्टनर वाला लफड़ा है. तो देखो पहला एडजस्टमेंट सूरज शुड ब्रिंग फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स कितना लाना चाहिए इन कैश ₹90,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल. यानी कि यहां पर मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं सूरज इज द न्यू पार्टनर. मेरे को लिखने की जरूरत नहीं क्यों ये न्यू पार्टनर है. उसका सूरज कैपिटल कितना ला रहा है वो सूरज कैपिटल इज 90,000 नया पार्टनर 90,000
ला रहा है फॉर वन थर्ड शेयर। ओके, मतलब रफली लिख के रखो तो आपको आइडिया आएगा। फिर क्या है, द फर्म्स गुडविल शुड बी रेज्ड टू रुपीज 90,000। अरे वाह वाह, रेज का प्रॉब्लम आया। सो दो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी रेज का ले लिया है। अरे रुको जरा, देखो आगे, एंड इट इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन इन न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। मतलब वो लोग बता रहे हैं कि मतलब सूरज के एडमिशन के बाद पहले गुडविल को रेज करो, सूरज आएगा, फिर तीनों मिलके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ कर दो। यानी यहां पर गुडविल का कौन सा केस है, केस नंबर टू का फुल फ्लेज। रेज का भी एंट्री आएगा, रिटर्न ऑफ का भी एंट्री आएगा, देखेंगे। वो आगे है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20%। बोला ना, थोड़ा अलग रहेगा इसमें, बताऊंगा बताऊंगा क्या करने का, डोंट वरी। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200, स्टॉक को 2,200 से बढ़ाओ, एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10,000। करेंगे, किया भी है। आउट ऑफ क्रेडिटर्स 1,200 इज नो मोर पेएबल। देखेंगे, ये भी देखेंगे। आखिरी एडजस्टमेंट दिया है, द कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। मतलब सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करो। मतलब क्या बोल रहे हो लोग, नए पार्टनर के कैपिटल और उसका शेयर, इसके बेसिस पर न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है। और वो कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद, मतलब जो कैलकुलेशन करके आएगा वो होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। वो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेने के बाद यहां पर टू बैलेंस कैपिटल लिख लेगा, पहले ही लिख देने का। फिर जो कुछ भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस किधर जाएगा, करंट अकाउंट क्रिएट करो, नया करंट अकाउंट ओपन करो और उसमें ट्रांसफर करो। इसके पहले का एक क्वेश्चन देखा जो थर्ड फैक्ट्री का प्रॉब्लम था, उसमें वो कैश में या बैंक में एडजस्ट करना था, तो जिधर भी बैलेंस आया वो हमने बैंक से एडजस्ट किया था। यहां पर जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। देखते हैं कैसे होगा वो, वन बाय वन हमारा स्टेप। पहले जब भी ऑल पार्टनर्स का कैपिटल न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो से एडजस्ट करने की बात आती है तो हम हमारा वर्किंग नोट बनाएंगे। कुछ करने से सबसे पहले हम लोग टू बैलेंस कैलेंडर, मतलब हम सम का स्टार्टिंग शुरुआत ही करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस से, वो पहले लिख देंगे। कैसे, तो सबसे पहले आएगा वर्किंग नोट, ये सब वर्किंग नोट्स है। ओके, उसमें पहला वर्किंग नोट है, इट इज ऑल रिलेटेड। अब ये वर्किंग नोट ये समझने वाली बात है, सो आई विल नॉट राइट पार्टिकुलरली, मैं यहां पर वर्किंग नोट ही कर रहा हूं, सीधी बात है, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छे से लिखना है आपको, अच्छे से दिखना है क्वेश्चन, तो मेरे पास स्पेस होना चाहिए। फर्स्ट वर्किंग नोट आई एम डूइंग अबाउट, पहला आएगा, हमको करना है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, जिसका स्टेप नंबर वन इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, होप यू कैन सी दिस प्रॉपरली। ओके, अदरवाइज आप वीडियो को डाउनलोड करके, मैंने डाउनलोडेबिलिटी रखा है, डाउनलोड करके फिर जब आप एमएक्स प्लेयर या कोई भी ऐसे ऐप से उसको ओपन करोगे वीडियो के, तो जूम करके देख सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, बताओ टोटल कैपिटल का कैलकुलेशन, थर्ड वाला प्रॉब्लम जो था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें बताया था। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू किसके बेसिस पर, नए पार्टनर के कैपिटल और उसके शेयर के बेसिस पर है। तो न्यू पार्टनर्स, न्यू कौन सा वाला, न्यू, अरे बी बराबर ही नहीं आ रहा भाई, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय क्या, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। वाह, याद आ गया आप लोग को, हाँ, नया पार्टनर का कैपिटल को मल्टीप्लाई किससे करने का, उसका वन थर्ड शेयर है तो इसका रिवर्स यानी कि 3, सो इट विल बी 90,000 मल्टीप्लाइड बाय वन थर्ड का रिवर्स इज 3। ओके, सो इट इज 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट कम्स टू 9,327, इट कम्स टू 2,70,000। वेरी गुड, फटाफट कैलकुलेशन करते हो आप लोग भी, यस, ये हमको मिल गया टोटल कैपिटल। और इस टोटल कैपिटल को हमको कैसे एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। अरे ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है,
तो सर हमको ही मेहनत करना पड़ेगा ना, तो स्टेप नंबर टू विल बी कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो ऐसे थोड़ी आता है, हमको पहले बैलेंस रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके इसलिए न्यू रेशियो के पहले हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस रेशियो, या स्टेप नंबर टू इज बैलेंस रेशियो। बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो क्या आएगा 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर है 1/3, यानी कि क्या आएगा, यस 2/3 हमारा बैलेंस रेशियो आएगा। तो स्टेप नंबर 3 अभी हमको मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। कौन कौन है पार्टनर्स? अरे रे यार इधर जगह ही नहीं होगा, सर क्या कर रहे हो? अरे क्या करूं, इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है तो करना पड़ेगा ऐसा। ओके नो इश्यू करेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे भाई। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो यानी न्यू PSR। चलो थोड़ा छोटा छोटा करेंगे। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो, दिस इज फॉर ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर में पहला है धीरज, बोलो बैलेंस रेशियो कितना आया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, या 1/3 नहीं सर, ओल्ड रेशियो इज 1/2 2 1s are 2 3 2s are 6 सो इट कम्स टू 2/6। नीरज उसको भी 2/3 का हाफ मिलेगा यानी कि 2/6। और तीसरा पार्टनर है सूरज, वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, हमको डिनोमिनेटर में 6 लाने का है तो मल्टीप्लाई में नीचे 2 करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा, सो 2 1s are 2 अरे तीनों का आया 2/6 2/6 2/6 अरे सर फिर न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, यस 1:1 तीनों का इक्वल सेम टू सेम आ रहा है ना, तो नया रेशियो बन जाएगा 1:1:1। इसी रेशियो में हमको क्या करना है, टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देना है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर 4 विल बी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग ले लेंगे टोटल कैपिटल। वेरी गुड, टोटल कैपिटल कितना दिया है 2,70,000, या ये 2,70,000 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तीन पार्ट कौन लिखता हूं ना इधर, धीरज नीरज और सूरज, और इनका रेशियो तो इक्वल है ना, इक्वल यानी धीरज का 1/3 नीरज का 1/3 सूरज का 1/3 यानी इक्वल, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 3 कर दो आ जाएगा आंसर 3,9s are 27 वाय वेलकम टू 90,000। इक्वली डिवाइड करना है तो धीरज का 90,000 आया, यस नीरज का 90,000 आया, यस और सूरज का तो उतना उसका ही तो बेच दिया था तो उसका उतना ही आएगा जितना वो नया कैपिटल लाया है। ओके सो 90,000 ये मिल गया हमको क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किधर आता है, किधर आता है, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर आप लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो क्या लिख दोगे आप, टू बैलेंस, अरे कैसे लिख रहा हूं मैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन तीनों का 90,000 और 90,000। ओके नो इश्यू ये सबसे पहले लिख देने का, मतलब जब भी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, यानी कि ये स्टेप्स कर देने का, टोटल कैपिटल निकालो फिर बैलेंस रेशियो निकाल के न्यू रेशियो निकालो फिर न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, टोटल कैपिटल एक बार न्यू रेशियो में डिवाइड हो गया यानी कि ये हमको मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमेशा टू बैलेंस कैपिटल करके आता है। अब तीनों पार्टनर्स में जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंस बचेगा लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद वो बैलेंस चले जाएगा
नया चीज क्रिएट करके, क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रिएट करके। दूसरी बात, जैसे ही आपने टू बैलेंस करंट अकाउंट लिखा, यानी कि आपको लायबिलिटीज वाला कैपिटल अकाउंट मिल चुका है, तो आप सीधा इधर लिख दो ना भाई, धीरज, नीरज और सूरज। धीरज का 90,000, बराबर, नीरज का 90,000 और सूरज का 90,000 मिला के हो गया 2,70,000। टेंशन ही खत्म। देखो जो सबसे लास्ट में लिखा जाता था, ये क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा जा रहा है। अब हम हमारे वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या आता है, क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, कैसे आएगा, हम लिखेंगे यस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग हमेशा ब्रॉट डाउन होता है, क्लोजिंग हमेशा कैरी डाउन होता है। यस, कितना दिया है, ओपनिंग हमेशा सिर्फ धीरज और रिकॉर्ड पार्टनर्स का ही दिया होगा। धीरज का 1,25,000 और नीरज का 35,000, तो यहां पर आएगा 1,25,000 धीरज ने लाया था और नीरज लाया था 35,000। चाणा है देखो कितना कम लाया था, स्किल होगा कुछ उसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का लिखने के बाद देखो देखो देखो, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ दिया है क्या? यस, जनरल रिजर्व दिया है 6,800। तो जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तुम लोग पूरा लिखना हा? तो मैं, मेरे पास जगह नहीं है ना, और भी बहुत कुछ लिखना है। अरे कितना, 6,800 दोनों में जरूर लिखूंगा, और रेशियो है, अच्छा इक्वल है क्या, तो 6,800 जनरल रिजर्व का दिया है उसको हाफ कर दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसको जाएगा 3,400 फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को जाएगा। अरे क्या फर्स्ट वाला सेकंड वाला, धीरज का 3,400, नीरज का 3,400। वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसके बाद ये हो गया, तो कैश बैलेंस ले लो। कैश बैलेंस ये रहा, कैश यानी असेट का बैलेंस है, यानी कि कैसे लिखेंगे हम, यस वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। कैश का असेट में दिया हुआ है 10,200, सीधा आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 10,200। वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहे हो, समझ रहे हो बराबर से। तो ये हो गया कैश का बैलेंस। क्या गुडविल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है, नहीं दिया है, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बराबर समझ गए तुम लोग, मतलब तुम लोगों ने पहले के चार क्वेश्चंस देखे हैं, या सभी हम लोग कैपिटल का जो भी है वो एंट्री पास करेंगे। कैपिटल का क्या बोला है, नया पार्टनर 90,000 कैपिटल ला रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो वो एंट्री क्या आएगा, नए पार्टनर का कैपिटल आ रहा है, मतलब कैश कम सिंपल बिजनेस एंट्री बोलो क्या आएगा, यस कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कौन है, यस सूरज। वापस बोलो, वापस बोलो शुरू से, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट। किधर किधर कैश अकाउंट, अरे वो रहा वो रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है नया पार्टनर, वेरी गुड 90,000 ला रहा है, वाओ। फिर क्या, अरे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना भाई, अभी एडजस्टमेंट है, हर एक एडजस्टमेंट का तो दो इफेक्ट, क्या आएगा, वेरी गुड। दादर जगीर वाला अपना लॉजिक, कैश के दादर में पार्टनर्स कैपिटल का नाम, तो पार्टनर्स कैपिटल के चर्च गेट में कैश का नाम, तो यहां पर आएगा बाय कैश अकाउंट। धीरज नहीं लाया है, नीरज भी नहीं लाया है, कौन लाया है अमाउंट, वेरी गुड सूरज लाया है 90,000, या ओके ओके कैपिटल का हो गया। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, वेरी गुड गुडविल का आएगा, गुडविल के लिए उन्होंने बोला है कि द फर्म्स गुडविल शुड बी रेज टू रुपीज 90,000। फर्म का गुडविल 90,000 का रेज करो, और फिर क्या बोला है, एंड इट इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर सूरज एडमिशन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया रेशियो, अरे ये रहा, मतलब राइट ऑफ कैसे करना है, इक्वल रेशियो में ही करना है, लेकिन कितना, तीन लोगों के बीच में राइट ऑफ, तीन लोगों के बीच में होगा, लेकिन गुडविल को रेज कौन करेगा। गुडविल रेज कभी होता है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा रोकड़ा कैश में नहीं ला पाता है, तब हम लोग गुडविल को रेज करते हैं। नया पार्टनर का नहीं है औकात लाने का, तो मेहनत कौन करेगा, यस ओल्ड पार्टनर्स, तो बोलो बोलो एंट्री, गुडविल रेज, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होता है, एंट्री क्या आएगा फिर, बोलो 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 कौन सा असेट बढ़ रहा है, वेरी गुड गुडविल बढ़ रहा है, तो एंट्री 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 बोलो तो सही, वेरी गुड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड
डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पर है गुडविल अकाउंट? जो डेबिट हुआ उसका डेबिट में जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या 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 बोलो, टू ओल्ड पार्टनर। अरे जगह ही कम पड़ जाती है मुझे यार। बोलो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज भी नहीं ले लेते तुम लोग। और ये ओल्ड रेशियो में आएगा, मैंने आपको दो बार बताया, ठीक है। यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ तभी आएगा जब नया पार्टनर गुडविल का रोकड़ा लाता है, मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश में ही इस एंट्री में सैक्रिफाइस रेशियो आता है, वरना ओल्ड रेशियो आएगा। ओल्ड रेशियो क्या था? अच्छा, हाफ ऑफ था क्या? कोई टेंशन नहीं है। कौन कौन थे ओल्ड पार्टनर्स? यस, धीरज और नीरज के बीच ये अमाउंट शेयर होगा। गुडविल कितना रेज हो रहा है देखो, एक बार देखो। द फर्म गुडविल शुड बी रेज टू 90,000। अगर हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेरी गुड, एकदम फास्ट हो तुम लोग, वेरी गुड। 45,000 धीरज का, 45,000 नीरज का, ऐसा करके 90,000 हो गया। ये तो पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कैसे बनेगा? यस, गुडविल के दादर में पार्टनर्स कैपिटल का नाम, तो पार्टनर्स कैपिटल के चर्च गेट में गुडविल का नाम। वेरी गुड। तो बाय गुडविल अकाउंट, अरे अच्छे से लिखो, बाय गुडविल अकाउंट। कितना अच्छा, दोनों का अमाउंट अलग अलग दिया है। पहले वाले का मतलब धीरज का 45,000, दूसरे वाले का यानी नीरज का 45,000। इसको थोड़ी रहेगा कि ला ही नहीं पा रहा था, इसलिए तो ऐसा किया। ओके, गुडविल रेज करने के बाद उन्होंने क्या बोला, उसको राइट ऑफ भी कर दो। गुडविल रेज हुआ तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आया। अब राइट ऑफ हो रहा है तो क्या होगा? वेरी गुड, अभी याद होगा तो आप बताओगे। बोलो गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री क्या आता है? यस, राइट ऑफ करने के लिए तीनों आ जाते हैं, क्योंकि नए पार्टनर के आगमन के बाद, एडमिशन के बाद राइट ऑफ करने वाला है, तो एंट्री क्या आएगा? यस, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल अपना था ना, आल इज वेल, वो आर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या राइट ऑफ हो रहा है? वेरी गुड, गुडविल हो रहा है ना, तो टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हुआ उसके डेबिट में जाकर लिखने का, तू क्या, तू सामने वाले का अकाउंट, तू क्या राइट ऑफ हो रहा है? गुडविल, तो टू गुडविल अकाउंट। सर इसमें तो तीन तीन कॉलम है, तीनों में होगा, बोला था ना इक्वली। कौन सा अमाउंट? गुडविल का अमाउंट 90,000 है, ये 90,000 को तीनों में अगर इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके, इक्वल है ना रेशियो, न्यू रेशियो बोला, न्यू रेशियो इक्वल आया, तो तीनों में आएगा 30,000 and 30,000। वेरी गुड, होप यू अंडरस्टूड दिस। लेकिन ये तो पहला इफेक्ट हुआ, दूसरे इफेक्ट के लिए क्या बोलेगा? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल के दादर में गुडविल का नाम, तो गुडविल के चर्च गेट में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड सर, आल क्या, आल मतलब ऑल, ऑल और ओल्ड थोड़ा सेम साउंड करता है, इसलिए आल बोल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये उन्होंने कौन से रेशो, अरे ऑल पार्टनर जब भी आएगा तो वो न्यू रेशो ही आता है सर, हमको बताया था आपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, अरे नहीं देखा होगा तो देख लेना ना, पहला वाला फर्स्ट वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, तीनों मतलब धीरज, नीरज और सूरज भी आ गया यहाँ पर, इक्वल मतलब तीन जन में इक्वल कैसे होता है, वन थर्ड। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, धीरज का 30,000, नीरज का 30,000 और सूरज का 30,000 करके 90,000 हो गया। और देखो गुडविल जब राइट ऑफ हो गया तो दोनों बाजू सेम अमाउंट आ जाएगा। ओ सेम अमाउंट आ गया तो ये टैली हो गया अकाउंट, इसको बाद में टैली करने की गरज जरूरत नहीं है, वो 90,000 शायद नहीं दिख रहा होगा, 90 है समझ जाओ। दूसरा इफेक्ट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल के दादर में गुडविल का नाम, तो गुडविल के चर्च गेट में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार गुडविल का मगजमारी खत्म, मतलब समझ लो सम 90% खत्म हो गया। सर रुको, अभी देखो इसमें अलग आया, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड आ रहा है। अरे बताता हूं, डोंट वरी, क्या है आगे लिखते हैं, और एडजस्टमेंट क्या है। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी द
10% से कम वैल्यू हुआ दिख रहा है और बैकलेस प्रिंटिंग 20% से ज्यादा। क्या बोल रहे हो सर, अंडर वैल्यूड बाय 10% ऐसा बोला है, मतलब अंडर मतलब कम होना चाहिए उससे। कितना परसेंट अंडर वैल्यूड है? वेरी गुड, 10% होना चाहिए उससे 10% कम वैल्यू हुआ है। अगर समझो मैं बोलता हूं होना चाहिए 100%, उसमें 10% कम वैल्यू हुआ है तो कितना वैल्यू हुआ है? वेरी गुड, वो 90% पे वैल्यू हुआ है। तो प्लांटेड मशीनरी का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है वो होना चाहिए उससे 10% कम है, यानी 100 रुपए होना चाहिए तो वो कितना है? वेरी गुड, 90 रुपया है। तो देखो यहां पर मैं बता दूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर टू, हाँ ये देखो वन के टू प्लांटेड मशीनरी, बराबर है। प्लांटेड मशीनरी क्या बोला है? अरे मेरे पास जगह ही नहीं बचती, क्या करेगा, मैं P&M लिखता हूं, समझ जाओ। प्लांटेड मशीनरी क्या बोला? प्लांटेड मशीनरी अंडर वैल्यूड, क्या 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 बोलो? अंडर वैल्यूड बाय 10%, होना चाहिए उससे 10% कम है। Therefore, बोलो प्लांटेड मशीनरी यहां पर क्वेश्चन में कितना दिया है? शायद आपने रेफरेंस के लिए रखा होगा ना, मैंने बोला था आपको, या लिख लिया होगा खुद। प्लांटेड मशीनरी का दिया है 45,000, 45,000 दिया है। मग ये जो 45,000 दिया है वो है 10% कम है, 100 होना चाहिए तो 10% कम, यानी कि वो 90% है। और हम लोग को कितना परसेंट का वैल्यू निकालेगा है? 100% का वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैसे आएगा? 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 90, या वेरी गुड, समझ गया एकदम, 00 गया। 9 5 45, इधर लिखता हूं, 9 5 45, 30, 5000 इंटू 10 कितना आएगा सर? 50,000 आएगा, एकदम बराबर। यानी प्लांट का एक्चुअल वैल्यू था 50,000, यहां पर लिख दिया गया 45,000, उसकी एक्चुअल वैल्यू से 10% वो कम लिखा गया। अब बोलो 10% कम लिख दिया था तो अब वो क्या करना पड़ेगा? हमको बढ़ाना पड़ेगा, अंडर वैल्यू हुआ था तो अब वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बोलो डेप्रिसिएशन हुआ कि एप्रिसिएशन हुआ? वेरी गुड, एप्रिसिएशन हुआ। और लॉजिकली अगर देखोगे तो जब मैं असेट में लिखता था पहले की तरह प्लांट एंड मशीनरी, तो क्वेश्चन का आर वाई है बाबा, लिखता हूं चलो प्लांट एंड मशीनरी, क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो मैं लिखता था इनर कॉलम में, चलो ठीक है मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अब हम लोगों ने रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूड अमाउंट आया 50,000, बोलो रीवैल्यूड अमाउंट किधर लिखते हैं हम लोग? वेरी गुड, आउटर कॉलम में। 45,000 से 50,000 वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वेरी गुड, बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 5,000 से। बढ़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको? एप्रिसिएशन, बोलो क्या बोलते हैं उसको? एप्रिसिएशन। हमने मेहनत करके लाया है वो अमाउंट तो हम बताएंगे, ये वर्किंग नोट नंबर टू में देख लो। हाँ बोलो, एप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू बढ़ेगा, आपको मजा आएगा कि दुख होगा? यस यस यस, मजा आएगा। सुख सुख किधर? दुख धागर, तो सुख चर्चगेट, रिवैल्यूएशन के चर्चगेट में आएगा। ये सुख हमको दिया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ने, तो आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए का सुख दिया है? यस वेरी गुड, 5,000 का सुख दिया है, हो गया तो इफेक्ट। फिर क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की तो लिखता हूं नंबर थ्री, ये तीसरे वर्किंग नोट में बताएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज कैसा कैसा कैसा? यस ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी 100 रुपए होना चाहिए था, ओवर था मतलब ज्यादा वैल्यू हो गया है। कितना वैल्यू ज्यादा हो गया है? 20%, यानी 100 रुपए होना चाहिए था वो 20% ऊपर, यानी 120 हो गया है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का यहां पर जो अमाउंट दिया है सर कितना दिया है? अरे भाई 84,000 दिया है, ये 84,000 20% ज्यादा है, यानी 120% है। हमको उसको औकात में लाना है, मतलब हमको उसको एक्चुअल रियल वैल्यू में लाना है, तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको जो क्वेश्चन में 84,000 दिया है वो 120% है, तो 100% कितना ढूंढेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगा? 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। अब कैसे करेंगे? चलो चलो चलो, 00 गया, 12 क्या? 12 कितना था? 84 होता है। यस वेरी गुड, 12 7 84, पीछे 3 0,
7000 इंटू 10 विल कम टू वेरी गुड 70,000। यानी कि लंदन बिल्डिंग का नया वैल्यू 70,000 आया क्योंकि वो ओवर वैल्यू था, ज्यादा वैल्यू हो चुका था। अरे भाई कम करो कम करो, जो कम वैल्यू हो चुका था उसको बढ़ाना पड़ता है इसे एप्रिसिएशन, जो ज्यादा वैल्यू हो गया था उसको कम करना पड़ता है इसलिए अब आएगा डेप्रिसिएशन। किसमें डेप्रिसिएशन बोलो? यस लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया था 84, तो मैं इधर इनर कॉलम में लिखूंगा। नया वैल्यू कैलकुलेशन से आया 70,000, तो मेरे लिए आउटर कॉलम में लिखूंगा। वेरी गुड, 84 से 70,000 यानी 14,000 माइनस होगा। माइनस यानी क्या बोलो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? अरे परसेंट नहीं, आप वर्किंग नोट नंबर 3 में देख लो। अरे कितने में? वर्किंग नोट नंबर 3 सब दिख नहीं रहा है प्रॉपर। रुको हाँ, जरा प्रॉपर करते हैं अपन। इतना तो पड़ेगा बराबर से। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करके लिखेंगे अपन सब एज पर वर्किंग नोट नंबर 3। अरे बोलो बोलो बोलो, असेट का वैल्यू कम होगा तो मजा आएगा कि दुख होगा? यस यस यस, दुख। बोलो दुख दादर या छजगे? अच्छा अच्छा दादर। ये दुख हमको किसने दिया? वेरी गुड, लैंड एंड बिल्डिंग ने दिया। तो इधर आएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने का दुख दिया सर? इस बार बहुत ज्यादा दे दिया, 14,000 का दुख। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। आगे 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 क्या दिए? आगे जो सीधा साधा सुधा है सब, क्या है नंबर 5? नंबर 4, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200 एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10,000। बढ़ाने का काम कम करते जा रहे, छोटा अमाउंट का कम करने का तुम ज्यादा करते जा रहे। अभी उनको उनका मर्जी भाई, लॉस लाने का है तो उनको करने दो लॉस। पहला क्या? यस, स्टॉक को करने बोला है इंक्रीज बाय 2,200। तो पहले ऊपर स्टॉक कितना था? उधर 47,800 स्टॉक था। अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखा होगा, उसको इंक्रीज करने बोला है। बोलो बोलो, इंक्रीज मतलब असेट में क्या होता है? वेरी गुड, एप्रिसिएशन। और सीधा अमाउंट दे दिया है 2,200, तो 2,200 बढ़ेगा। तो इट विल कम टू 47,800 प्लस 48,000 प्लस 50,000 रुपीज। वेरी गुड, वाह वाह वाह, असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो सुख होगा कि दुख होगा? यस, सुख दादर या छजगे? वेरी गुड, छजगे। तो आएगा बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक ने दुख दिया? नहीं, स्टॉक ने सुख दिया। कितने का सुख दिया? 2,200 का। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। और फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10,000। फर्नीचर थोड़ा इस तरह ऊपर की तरफ लिखते हैं हम। बोलो फर्नीचर क्वेश्चन में ऊपर कितना दिया है? 10,000 दिया है फर्नीचर। हाँ वापस से देख लूं क्या? हाँ देख लेता हूँ। फर्नीचर दिया है, अच्छा 10,000 दिया है, उसको बोला है इंक्रीज बाय 10,000। इंक्रीज यानी क्या बोलो? एप्रिसिएशन। क्या मालूम इन लोगों को क्या सूझा? अरे इंक्रीज बोला है क्या? क्या बोला है? फर्नीचर कितने का? कितने का? हाँ, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000। 10,600 क्या करते हैं आप लोग? हाँ, 10,600 क्वेश्चन में दिया है और वो लोग बोलते हैं कि फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000 रुपीज। देखा गड़बड़ हो जाती ना अभी? यस, सो इट इज 10,000 तक लेके आना। नीचे जो वैल्यू दिया वो हमेशा रिवेल्यूड अमाउंट आता है। वापस से पढ़ते हैं, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200। बाय मतलब उतने से बढ़ेगा, तो 2,200 से बढ़ा। लेकिन फर्नीचर में क्या दिया है? थोड़ा सा मैंने रीड करने में ये कर दिया, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय नहीं, टू बी रिड्यूस 2,10,000। रिड्यूस 2 मतलब उतने तक रिड्यूस करना है, तो उसको 10,000 तक रिड्यूस करो। यानी कितना रिड्यूस होगा? वेरी गुड, 600 रुपए रिड्यूस होगा। रिडक्शन यानी माइनस, आएगा प्लस। क्या आएगा? लेस डेप्रिसिएशन। और बोलो डेप्रिसिएशन कितने का है? 600। बोलो असेट का वैल्यू कम होगा, मजा आएगा कि दुख होगा? यस यस यस, दुख किधर? दुख किधर? दुख आएगा दादर में। किसने दुख दिया ये? फर्नीचर ने दुख दिया। मैं तो टेंशन में आ गया, 10,000 का दुख। ऊपर से 10,000 से 10,000 माइनस तो 0, ऐसा थोड़ी होता है। 600 रुपया ही है इधर। यस, क्वेश्चन में फर्नीचर 10,600 दिया है, थोड़ा देखने में भी गड़बड़ कर दिया। और नीचे बोला उसको 10,000 तक लेके जाओ, यानी 600 रुपया कम करो। हो गया तो इफेक्ट। वेरी गुड, आगे बोला है आउट ऑफ क्रेडिटर्स 1,200 इज नो मोर पेएबल। क्रेडिटर्स में से 1,200 रुपया पेएबल ही नहीं है, यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ गया कि कम हो गया? नहीं भरना पड़ेगा, यानी उतना
कम हो गया, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स, यहाँ पर बेटा लायबिलिटीज में आता है ना भाई क्रेडिटर्स, कितना दिया पहले इधर 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 क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स दिया है 86,200, ओके रिड्यूस हो रहा है क्योंकि नो मोर पेएबल, तो उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, भरना नहीं पड़ रहा है, कितना रिटर्न ऑफ, वेरी गुड 1200, पूरा 86,200 में से 1200 माइनस होगा इट विल कम टू यस 85,000, और बोलो असेट कम होता है तो हमारा दुख है, लेकिन लायबिलिटी सिर्फ में टेंशन, सिर्फ में कर्जा, कर्जा कम होगा तो मजा आएगा कि दुख होगा, यस मजा है कि सुख, सुख किधर आएगा, चर्च गेट में आएगा, ये सुख किसने दिया, वेरी गुड क्रेडिटर्स ने सुख दिया, कितने का सुख दिया, अरे रे 1200 का सुख दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं भाई इफेक्ट तो देते रहेंगे, फिर क्या है, अरे नेक्स्ट एडजस्टमेंट तो है कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन द न्यू, अरे कर दिया वो, अब जो बचेगा वो करना है लास्ट में करंट अकाउंट में ट्रांसफर, तो सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए, यस स्टेप क्या था, इस बार जब ऑल पार्टनर्स वाला लफड़ा आता है तो नया कैपिटल निकाल के क्लोजिंग कैपिटल निकाल के ट्रू बैलेंस क्रेडिटर और लायबिलिटी में लिख देने का, फिर अपना रेगुलर स्टेप्स बैलेंस ब्रॉट डाउन जनरल रिजर्व टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर उसके बाद कैपिटल का एंट्री, फिर उसके बाद गुडविल का बोला है रेस्ट भी करो और राइट ऑफ भी करो, तो रेस्ट का क्रेडिट साइड आएगा राइट ऑफ का डेबिट साइड, सेम में गुडविल में रेस्ट डेबिट में तो रिटर्न ऑफ क्रेडिट में, रेस्ट ओल्ड पार्टनर्स करते हैं रिटर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स करते हैं, फिर उसमें असेट का रिवैल्यूएशन, अंडर वैल्यू में मतलब कम वैल्यू हुआ है तो बढ़ाना पड़ेगा, ओवर वैल्यू में मतलब ज्यादा वैल्यू हो चुका है तो कम करना पड़ेगा, फिर स्टॉक और फर्नीचर का लफड़ा सॉल्व किया, क्रेडिटर्स को अपने को फायदा हो रहा था वो दिखा, अब कोई रह तो नहीं गया जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, जिनको कोई इज्जत ही नहीं दिया, क्या है क्या है, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल नहीं हुआ तो एज इट इज उसको लायबिलिटीज में लिख दो, बोले तुम कुछ मत करो तुम चुपचाप खड़े रहो, उधर भी खड़े थे अभी भी खड़े रहो, कितना 28,000, वेरी गुड वेरी गुड, या असर में कोई रह तो नहीं गया, पहला दिया प्लांट एंड मशीनरी अरे हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग अरे हो गया, पेटेंट्स अरे हो, अरे नहीं हुआ भाई तो पेटेंट्स यहां पर आ जाएगा, पेटेंट्स कितना रुपया, कितना पेटेंट्स दिया हुआ है 3,400, वेरी गुड पेटेंट्स से 3,400, और स्टॉप हो गया हो गया हो गया, डेटर्स अरे ये क्वेश्चन में डेटर नहीं हुआ, चलो आप कर देते हैं एज इट इज, कुछ एडजस्टमेंट नहीं आया तो डेटर्स का है 80,000 रुपीज, या वेरी गुड, फिर उसके बाद क्या है, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिया ना भाई इधर, मतलब जिसके कोई एडजस्टमेंट नहीं था उनको भी ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद लेजर्स को क्लोज करने का, ये तो अपने आप टैली हो गया गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, अगर उन्होंने ये बोला होता कि जो नया कैपिटल में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हो वो एडजस्टमेंट कैश या बैंक में करना है तो हम कैश बैंक को बाद में क्लोज करते, यहां का बैलेंस उधर जाता फिर वो क्लोज करके बैलेंस शीट में आता, लेकिन यहां पर क्या बोला है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यानी कैश का अभी कुछ लेना देना बचता नहीं है, इसको क्लोज करके भेज दो ना उसकी जगह पे 90+10 यानी कि 1,02,000, सो हियर आल्सो इट विल बी 1,02,000, कुछ नहीं है क्रेडिट साइड तो पूरा 1,02,000 बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस हो गया अपना बाय बैलेंस कैरी डाउन, बोलो 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 क्या हो गया अपना बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड का बैलेंस है डेबिट बैलेंस है असेट, तो इधर आएगा कैश 1,02,000, ये भी हो गया, अब पूरे सम को टैली करते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, ओके यहां पर 14,600 है, 5+2 = 8,400 है, बोलो कौन ज्यादा है, अच्छा ये ज्यादा है क्या, तो 14,600 यहां पर 14,600 इधर, मतलब जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखने का, 14,600 - 8,400 करो इधर, चलो 14,600 - 8,400 6 में से 4 गया 2 बचेगा 14 - 8, 6 यानी हमको 6,200 का क्या हो गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बोलो बोलो क्या हो गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप लोग अच्छे से लिखना हा लॉस ऑन, चलो मैं भी अच्छे से ही लिख देता हूं, चलो ना अभी लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट है ये, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, किसको किसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, ओल्ड वालों को, ओल्ड कौन यस धीरज और नीरज, कितना अरे ओल्ड रेशियो में
सर वो हाफ था आप भूल गए क्या? अच्छा अच्छा हाफ ऑफ लेना है दोनों को, यानी 3100 एंड 3100 होप सो। फिर क्या रियलाइजेशन के चर्च गेट में पार्टनर्स कैपिटल का ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के दादर में रियलाइजेशन, लेकिन क्या 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 टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। या वेरी गुड, फर्स्ट पार्टनर को भी 3100 बैर करना पड़ेगा, सेकंड पार्टनर को भी 3100 बैर करना पड़ेगा, थर्ड पार्टनर को कुछ भी बैर करना नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आगे क्या है, क्या बोला, अरे और कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। ओके, नहीं है एडजस्टमेंट, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको क्लोज करेंगे। क्या क्लोज करेंगे हम लोग, कैसे क्लोज करेंगे, जो भी अब इनमें बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करके, मतलब करंट अकाउंट में जाएगा। फर्स्ट पार्टनर देखो 1,25,1,28,1,12,1,60,1,73,400 और यहां पर 90+30, 1,23,100 बोलो 1,73 ज्यादा है कि 1,23 ज्यादा है? यस 1,73 ज्यादा है, 1,73,400। देखो 4 का 4, 5+5, 10+3, 13 रेज 1, 2+1, 3+4, 7 तो 1,73,400 1,73,400 तो ये माइनस करेंगे तो 1+3,4 3+3 है ही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 9+3 12, 12+5 17 यस, तो इट विल कम टू, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना भाई, 50,300 आएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3+1 4, 3 का 3, 9+5 14+3 17 ये किधर भेजने को बोला है, यस टू करंट अकाउंट करके लिखने का, बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिखो इधर कि इस बार बैलेंसिंग फिगर ये आया है। फिर दूसरा बात 30, 90+1,23,100 इधर 1,23,100 आया, इधर 40+30, 70, 83,400 बोलो 1,23,400 ज्यादा है कि 83,400? अच्छा 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 1,23,100 ओके, तो ये देखो 1,23,100 देखो एक बार देखो 1 का 1, 3 का 3, 9+3 12 ओके 1,23,100 फिर क्या 4+7, 11 होता है रेस्ट 1, 5+1, 6+3, 9, 9+5, 14, 14+9, 14+9, 23 रेस्ड 2, 3+2, 5+4, 9, 9+3, 12 ओके 39,700 ये बाजू आया, तो वो बाजू भी आएगा बाय करंट अकाउंट। क्या आएगा बाय करंट, किधर भी आए करंट अकाउंट में ही जाएगा। यहां पर 90,000 है और यहां पर 120,000 है, तो मैंने आपको बताया था ना कि दोनों सेम सेम ही आएगा हमेशा, अगर रिटर्न ऑफ का एंट्री आया, बिल्कुल रिटर्न ऑफ का आया तो ही कुछ बैलेंस अलग बचेगा। यहां पर 120, यहां पर 120 तो 30,000 बैलेंस आएगा इसका, जो राइट ऑफ करने के लिए लगा था वो ओके, जो 30,000 ये किधर जाएगा करंट अकाउंट में, तो जिसका डेबिट साइड टू करंट अकाउंट आया, डेबिट साइड जो बैलेंस आता है वो लायबिलिटी में जाता है, सिर्फ एक ही दिन का करंट अकाउंट डेबिट साइड में आया है, किसका किसका किसका, यस धीरज, तो सिर्फ इतना लिखेंगे हम लोग धीरज करंट अकाउंट, क्या 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 बोलो, यस वेरी गुड धीरज करंट अकाउंट कितने से आया, 50,300 कितना आया बोलो, 50,300 और वो दोनों का पार्टनर्स करंट अकाउंट करके लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट किसका 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 किसका, नीरज और सूरज का, ध्यान दो बराबर से, नीरज का आया 39,700 और सूरज का आया 30,000 तो हो जाएगा 69,700 सब हो गया। अब ये अपने आप क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, देखिए देखिए जरा होता है क्या, 3+3 का 3 ही आएगा ओके नो प्रॉब्लम 5+8 13 रेज्ड 1 7+1 8+5 8+5 13 13+10 23 रेज्ड 2 2+2 4,33,300 शायद ऐसे है ना, 3 0 5 8 5 0 रेज 1 8 13 8 21 23 रेज 2+2 4 ओके 4,33,300 आना चाहिए ये 4 7+4 11 11+2 13
Thank you.